नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। फेसबुक पर हुई दोस्ती, प्यार और चुपके से की शादी और करता रहा वर्षों तक यौन शोषण। युवक निकला शादीशुदा, महिला की हुई दुर्दशा, लगा रही है न्याय की गुहार। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की रहने वाली पीड़िता नीलम चौधरी ने कहा कि 3 साल पहले मेरे संपर्क में धर्मेंद्र नाम का लड़का आया, जो पुलिस वैन ड्राइवर का जॉब करता है। वो झूठे प्यार के झांसे में लेकर परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे मैं इतनी परेशान हो गई कि बिना उसके बारे में ज्यादा कुछ जाने 7 मार्च 2020 को उससे मंदिर में शादी कर ली और हस्बैंड वाइफ की तरह मेरे ही रूम में रहने लगे। कुछ दिन तो अच्छा चला, फिर जब मैं उसे उसके बारे में कुछ विस्तार से पूछना शुरू किया, सब कुछ जानने की कोशिश की, तो मारपीट, गाली गलौज करना शुरू कर दिया। मेरी अश्लील फोटो भी निकाल रखी थी, जिसे लेकर भी ब्लैकमेल करता था। किसी तरह से इसके मोबाइल से इसके जीजा और इसके पिताजी का नंबर लेकर उनसे बात की तो पता चला कि ये पहले से ही शादीशुदा है और इसके 2 बच्चे भी हैं। फिर भी धोखे से मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आगे नीलम चौधरी ने शासन प्रशासन से निहाय की गुहार लगाई है, जिसे लेकर थाने चौकी पर भी आवेदन दिया है। आइए आगे सुनते हैं पीड़ित नीलम चौधरी की जुबानी। सर, मेरा नाम नीलम चौधरी है, जो कि टोंजा क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से मैं बिलोंग करती हूँ। 3 साल पहले मेरे संपर्क में एक धर्मेंद्र कुमार गौतम नाम का लड़का आया, जो कि होमगार्ड विभाग में जॉब करता है, 112 में ड्राइवर है। वो मुझे झांसे में लेते हुए इतना परेशान किया कि मैंने 7 मार्च 2020 को उसे शादी की। मुझे बहुत डराया, बहुत धमकाया, मुझे बहुत परेशान करता था, बहुत मारता था, पीटता था, तू कितने रखेगी, ये करेगी, वो करेगी। तो मैंने शादी किया, उसने मेरे साथ शादी क्या किया, एक ही साल से मुझे बिलीव दिलाया, क्योंकि वो मेरा सुसाइड करना चाहता था, इस वजह से उसने मुझे बिलीव दिलाया और उसे मंदिर में शादी की, जो कि उसके बाद एक हिसाब से हस्बैंड वाइफ की तरह, मैं तो उसे अपना हस्बैंड ही मानती थी, वो क्या मानता था मुझे कुछ नहीं पता। फिर उसके साथ हम रहने लगे, रहता था अच्छे से, थोड़े दिन तो बहुत अच्छे से रहा। फिर उसके बाद जब मैं उसके बारे में विस्तार से पूछना शुरू की, कि सब कुछ जानने की कोशिश किया, करना शुरू किया, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे एग्ज़ाम्स थे तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने जब काफ़ी विस्तार से पूछना शुरू किया तो मुझे मारना, पीटना, गाली गलौज, बाल खींचना, मेरे बाल पकड़ के खींचना, हर तरह से मुझे इस तरह से मारना शुरू किया। मेरे इतने बॉडी में इतने निशान बन जाते थे कि मैं बता नहीं सकती सर आपको। फिर उसके बाद में ये फ़ोन रखता था, उसमें पासवर्ड डाल रखता था, जो कि मैं खोल नहीं सकती थी, मुझे बताने रखा था पासवर्ड। फिर ये क्या किया, वो फ़ोन को तो पासवर्ड्स के साथ रखता था, दूसरी बात फ़ोन में कभी बैटरी नहीं होती थी, डिस्चार्ज रहता था फ़ोन हमेशा इसने फ़ोन को डिस्चार्ज रखा। तो जब ये आता था तो फ़ोन को स्विच ऑफ रखता था, यहाँ पर मैं पूछती थी बैटरी नहीं है फ़ोन पर, तो कहता था बैटरी नहीं है फ़ोन में, स्विच ऑफ है, इससे कुछ पता नहीं चलता था। फिर उसके बाद जब मेरी असली फ़ोटो इसने बहुत खींच रखी थी, तो वही फ़ोटो जब मैं लड़ाई झगड़ा, मतलब कुछ कहती थी कि तुम कुछ बताते नहीं, इतने दिन हो गया ना तुम मेरी शादी का कोई रजिस्ट्रेशन है ना, वोटर आई डी अपने नाम ट्रांसफ़र कर रहे हो ना, कुछ कर रहे हो, बताओ हम क्या, मतलब मैं फालतू में तो घिसी जा रही हूँ तुम्हारे साथ, कोई तो वो है नहीं, वजूद है नहीं हमारी शादी जो तुमने किया है, उसका कोई प्रूफ तो है नहीं। और फिर फ़ोन भी अपना खो दिया था, जो फ़ोटोज़ थे शादी के, अपना भी खो दिया, मेरा भी फ़ोन खो दिया, क्योंकि इसका फ़ोन खो गया था तो ये छोटा वाला फ़ोन रखता था, तो मैंने अपना फ़ोन इसको दे दिया था। मैंने कहा तुम जॉब करते हो, चलो ठीक है तुम रख लो अपना फ़ोन, तुम्हें फ़ोन दे दिया। फिर उसके बाद में ये छोटा वाला फ़ोन रखता था, तो ये फ़ोन मुझसे वो भी छुपा के रखता था, क्योंकि उसकी भी बैटरी बहुत कम ही रखता था, जितना अपना बात करता था वो उतनी ही बैटरी रखता था, बाकी का फ़ोन डिस्चार्ज ही रहता था हमेशा मेरे पास रहता था, फ़ोन डिस्चार्ज रहता था, उसका फ़ोन कभी ऑन नहीं रहता था। और रात में 12 बजे आता था, रात में 12 बजे आ रहे हैं, उसके बाद में वो सुबह 8 बजे जा रहे हैं। जब मैं कहती थी यार
तुम सुबह ही आ रहे हो, शाम रात में 12 बजे आ रहे हो, सुबह जा रहे हो, ना कोई बातचीत करना ना कुछ, तुमको गाली देता था, कह जाता तुमने कभी ड्यूटी की नहीं है तो तुम जानो क्या यूपी पुलिस की ड्यूटी कितनी वो होती, टफ होती है। तो हम भी सोचते थे हाँ वो तो होती ही है, बिलीव कर लेते थे। उसके बाद में ये काफ़ी मुझे परेशान किया कि भाई छोटा वाला फ़ोन जो था वो मुझे छुपा के रखता था। एक दिन एक फ़ोन को छुपा रहा था, मैं लेटी थी रूम में, मैं देख रही थी, उसको लगता था कि मैं सो रही हूँ लेकिन मैं सो नहीं रही थी, मैं इसका देख रही थी ये कर क्या रहा है। फिर मैं फ़ोन को देखा तो ये फ़ोन छुपा रहा था मेरे रूम में। फिर मैंने वही फ़ोन उठाया, जब ये सो गया तो मैं बाहर निकली तो इसके फ़ोन से इसके जीजा का नंबर लिया, इसके पापा का नंबर लिया, मैंने कॉन्टेक्ट किया तो पता चला कि पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं। जो कि इसने मुझे बताया नहीं, मुझसे शादी कर लिया। फिर क्या हुआ, फिर जब मैंने इससे पूछा तो इसने कहा कि हाँ मैं बहुत जल्दी डिवोर्स लेने वाला हूँ, मेरा डिवोर्स मैं बहुत जल्दी डिवोर्स ले लूँगा क्योंकि मैं साथ नहीं रहता हूँ। और ये हमेशा बताता था मैं साथ नहीं रहता हूँ, कहता जब मैं इसे पूछती थी कहता था मैं साथ नहीं रहता हूँ और मैं डिवोर्स ले लूँगा, बहुत जल्दी ले लूँगा। जबकि इसने पहले भी इसके ऊपर मुकदमा लिखा गया था, जेल गया था, उसके बाद में इसने शादी की थी, ये भी मुझे नहीं पता। मैंने पता लगाया, जब पता चला इनके पापा से, इनके जीजा ने बताया सब कुछ हमें। उसके बाद ये मुझे मार पीट करता था, फिर धीरे धीरे मैं इसे यही कहती थी कि शादी जो तुमने की है वो तो इलीगल है, लीगल तो है नहीं, तो कहता था मैं लीगल शादी कर लूँगा, बहुत जल्दी कर लूँगा। फिर तब तक मैं प्रेगनेंट हुई, फिर तो इसने मुझे सिर दर्द की दवाई बताकर प्रेगनेंसी की दवाई खिला दी, क्योंकि मेरा मिसकैरेज हो गया, एक बार नहीं दो दो बार करवाया, क्योंकि मुझे दवाई कभी भी ला के देता था, ये दवाई में कुछ लिखा नहीं होता था, वो अलग बंधी हुई होती थी दवाई, अलग उसको पेपर्स में बांध के देता था, क्योंकि उसका नाम अगर वो वैसे देता तो मैं मान पढ़ लेती तो उससे बात नहीं कर पाती उसकी, तो इस वजह से वो हमें हमेशा मुझे दवाई देता था तो वो अलग से ही देता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब मैंने बहुत उससे थोड़ा पूछताछ किया, बहुत अजीब तरह से प्रेशर बना के पूछा, तब इसने बताया कि हाँ मैं जो भी है मैं लाइफ से बहुत परेशान हूँ और इस वजह से मैंने तुमसे शादी की, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खुश रहता था, कभी नहीं किसी बहाने में तुम्हारे साथ बहुत खुश रहता हूँ, इसलिए मैंने कहा क्या तुम मेरी अपनी खुशी के लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा, फिर मैं बहुत परेशान हुई तो मैंने एक अप्लीकेशन दिया जो कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में ही मड़ियाँ थाना लगता है, वो चौकी केसवनगर चौकी में। फिर ये हमारे इसको जब बुलाया गया वहाँ तो ये मेरे वहाँ आया तो मेरे हाथ पांव जोड़ना शुरू किया, फिर रोना शुरू किया, कहा मर जाएंगे ये है वो है, तो हमसे कहा सुलह कर लो अब कुछ नहीं होगा, चलो घर चलो, पापा भी बुलाए हैं, मम्मी भी बुलाई, सब लोग बुलाए हैं तो मेरे घर चलो। तो मुझसे बहुत रोया, कहा कि लो पापा से बात कर लो, तो मैंने कहा पापा से क्या बात कर लें, अब बात जो कह रहे हो तो बात तो सही होगी, तो मैं सुलह की। उसके बाद में थोड़े दिन तो फिर ये सही से रहा, उसके बाद फिर ये नौटंकी करना स्टार्ट कर दिया, फिर नौटंकी बहुत किया, फिर धीरे धीरे ऐसी नौटंकी की कि ये अपना फ़ोन बहुत कम ही बात करता था, फ़ोन बंद करना, बात नहीं करना, बात आते गाली देना, बात आते मारना, हर चीज़ मतलब इस तरह से मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी करना स्टार्ट किया। कि फिर बाद में मार्च को अभी इसी 2021 में ये आया मेरे पास, तो कहा कि मेरा फ़ोन जो है उसका स्क्रीन चला गया है। तो मैंने कहा स्क्रीन तो कॉमन सी बात है, जो ये दूसरा फ़ोन ले रखा था, पहले जो मेरी शादी वाला फ़ोन था जिसमें मेरी शादी के फ़ोटोज़ थे वो तो फ़ोन खो दिया, पता नहीं खोया या नहीं खोया, मेरा भी फ़ोन खोया था। उसके बाद में इसने अगस्त में फिर फ़ोन लिया था जो कि रेडमी का फ़ोन था, मैं उसको अच्छी तरह से जानती थी, वही फ़ोन था वो जो मेरे रूम में लेकर आया था 24 जून को लेकर आया। फिर ये यही नौटंकी बना बना के आज तक मुझे मेरी असली फ़ोटो रख के वही दिखा के मेरा शारीरिक मानसिक हर तरह से मतलब मेरा शोषण किया, और कहता मेरा फ़ोन खो गया, जबकि फ़ोन इसका इसके पास है जो रेडमी का फ़ोन नया लिया था, और ये इतना बहाना बना रहा, बस ये बचना चाह रहा कि किसी भी
तरह से बस जाएं बस, और इस तरह से मुझे बदनाम कर रखा है। मेरे जितने रिलेशन हैं, मेरे रिश्तेदारी में मेरी दीदी, मेरे जो भी हैं सबसे बात करता है। इसके पापा भी हमारे वहाँ गांव गए थे, तो वहाँ बता के आए। हर चीज़ सबसे बात करते हैं, सबसे बताते हैं, हर चीज़ है। और कहते हैं कि ये घर आएंगी तो 10 भैंसे पाल लेंगी, अपना चारा पानी करेंगी। और हम सर चारा पानी करने के लिए हम तैयार थे। अगर हम तैयारी नहीं करते होते, प्रिपरेशन नहीं करते होते UPSC का, तो हम चारा पानी भी कर लेते। मेरे ये तो कंडीशन आ जाएगी तो कर भी लेंगे। और रही बात कह रहे हैं झोपड़ी में रहने के लिए, अगर यही सब झोपड़ी हो, यही जो भी था, तो ये सब पहले भी तुम्हें सोच लेना चाहिए था। यहाँ झोपड़ी कैसे क्या मैनेज करेंगे, या फिर किसी का यौन शोषण करने के लिए बस शादी कर लो, बाद में उसको छोड़ दो। मेरे साथ तो यही हुआ कि मेरे साथ जब तक उसको इंटरेस्ट था, तब तक उसने ये सब कुछ कहा, शादी का हर चीज़ बनाया। जब उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया तो वो अपना भागने लगा। और वो कहता भी है कि मैं रखने के लिए तैयार हूँ, मेरा कोई उखाड़ नहीं पाएगा, चाहे जो ये भी करा। तो सर बस सिर्फ आपसे यही निवेदन है कि मुझे इंसाफ दिलाइए। मेरे साथ जो इसने गलती की है, बस मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस यही एक निवेदन है कि मुझे इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं।